नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज और आप सभी का आज की वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने जो टेरेस गार्डन से फिर से वेजिटेबल की हार्वेस्टिंग करेंगे। तो दोस्तों, वेजिटेबल हार्वेस्टिंग करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल वाले आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, जो आप फ्लावर देख रहे हैं मेरे गार्डन में रोज़ के, तो अभी जो है भरपूर मात्रा में जब गार्डन में जो इस टाइम पे फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने इसकी पहले भी वीडियो शेयर करी थी कि आप किस प्रकार से जो गुलाब के जो पौधे हैं वो रेडी कर सकते हैं, उनको क्या फर्टिलाइज़र दे के आप इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं जो आपके गार्डन में ये भरपूर तरीके से फ्लावरिंग करें। तो आप मेरे चैनल पर जाके उस जो है जरूर से वीडियो देख सकते हैं और अपने गार्डन में इसी तरीके से जो है फ्लावरिंग आप पा सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए आज हम शुरू करते हैं आज की हार्वेस्टिंग। देखिए, हार्वेस्टिंग करने से पहले मैं आपको जो है अपने गार्डन के कुछ जिस टाइम पे फ्लावरिंग है उनका अपडेट शो कर देता हूँ। देखिए देखिए, विंटर्स में जो फ्लावरे हैं इतने प्यारे प्यारे आते हैं, अगर आप देखेंगे तो देखने बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं और आपकी गार्डन की शोभा बहुत बढ़ाते हैं। ये देखिए, ये है गुलदाउदी के फ्लावर्स और गुलदाउदी में जो है आपके बहुत ही जो है कलर्स मिल जाते हैं। ये कोलियस का, कोलियस भी विंटर में बहुत अच्छे से वो करता है, आपके डेकोरेशन करता है। देखिए मेरे इसमें जो है चार तरह की वैरायटी जो है इसमें लगी हुई है। देखिए इसके जो इस इन इनसे जो खुशबू भी बहुत अच्छी निकलती है और जो पॉलिनेटर्स है वो भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। देखिए मेरे पास जो गुलदाउदी के है कम से कम 5 से 6 जो कलर की वैरायटी है वो इनके मेरे पास है। ये देखिए, ये है पाउडर पफ, इसके फ्लावर बहुत ही प्यारा है। देखिए, और जो इसकी बड्स है वो इस प्रकार से बनती है। ये प्लांट भी बहुत प्यारा है और ये परमानेंट प्लांट है। ये देखिए कितने सुंदर और बिग साइज़ के जो फ्लावर हैं। और ये पेटूनिया, जो पेटूनिया भी है इसमें भी आपको बहुत सारे जो कलर्स वो मिल जाते हैं और विंटर्स में ये आपके गार्डन में मस्ट है, ये जरूर होनी चाहिए। इनके बिना जो आपका गार्डन है वो थोड़ा अधूरा सा लगता है। तो ये था कुछ मेरे जो गार्डन का फ्लावर्स का अपडेट। और अभी जो है मैंने इसमें भी बाकी फ्लावर्स अभी छोड़ दिए हैं क्योंकि वीडियो कुछ लंबी और लेंथी हो जाएगी। चलिए अब हम करते हैं आज की हार्वेस्टिंग स्टार्ट। ये भी एक परमानेंट प्लांट है और विंटर्स में मेरे यहाँ पे ये भी ज़बरदस्त फ्लावरिंग करता है। देखिए वेजिटेबल में जो मैंने है यहाँ पे अपने लगाया हुआ है धनिया और इधर मैंने लगाया गार्लिक और नीचे यहाँ पे मैंने लगाया कैलीफ्लावर। आप देखिए कितना प्यारा हेड बन रहा है इसका। और ये है पालक। चलिए पहले जो हम पालक की हार्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए ये मैंने जो पाउडर पफ का जो प्लांट है वो मैंने एयरिंग से पूरा जो रेडी किया था और इसका मैं बोनसाई बनाने वाला हूँ। इसकी जो मैंने कटिंग कर दी थी और विंटर्स में जो इसकी ग्रोथ थोड़ी अभी स्लो हो गई है। ये देखिए इसमें अपनी नई जो लीव्स है वो निकाल ली है और यहाँ पे हम कर रहे हैं अभी पालक की हार्वेस्टिंग। देखिए पालक जो विंटर्स में आप इसको इजी से जो अपने पास ग्रो कर सकते हैं। आप इसको अक्टूबर, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी आप इसको ग्रो आसानी से ग्रो कर सकते हैं, ये आपके इजी से ग्रो हो जाएगा। और इसकी आप देख सकते हैं जो मेरी पालक की जो ग्रोथ है कितनी प्यारी है और इसकी जो लीव्स है एकदम लश ग्रीन है क्योंकि इसमें मैं जो है मेरी जो पालक है बिल्कुल ऑर्गेनिक है। इसमें मैं कोई केमिकल का यूज़ नहीं करता। जो मार्केट से आप जो पालक यूज़ करते हैं वो सब केमिकल फर्टिलाइज होती हैं, उन पे सब पे यूरिया का जो स्प्रे किया जाता है जिसके कारण वो फटाक से जल्दी जल्दी ग्रोथ ले लेती है और उनका लीव का साइज़ बड़ा बड़ा हो जाता है और वो खाने में इतनी टेस्टी नहीं रहती। आप घर से ग्रो की हुई जो पालक है आप उसको जब खाएंगे तो आपको उनका अलग ही स्वाद नज़र आएगा। देखिए जो पालक है आपको इस तरीके से जो हाथ से है उसको तोड़ना है और नीचे फिर आपका ये जो जो पालक है 2-3 दिन बाद फिर से ऊपर से ग्रोथ स्टार्ट ले लेगा। पालक से आप कम से कम 4 से 5 बार जो है आप हार्वेस्ट ले सकते हैं। देखिए मैंने पालक की जो है पहले भी कई बार हार्वेस्टिंग कर चुका हूँ और उनकी मैंने वीडियो भी शेयर की है।
चलिए हम जल्दी से पालक की हार्वेस्ट कर लेते हैं। देखिए अब हम हार्वेस्ट करेंगे मूंगरे की। यहाँ पे मेरे जो सिंगरे लगे हुए हैं, ये भी विंटर की बहुत प्यारी वेजिटेबल है, और इन पे आप अच्छे से जो है फ्रूटिंग ले सकते हैं। और इनसे जब फ्रूटिंग होती है तो आप एक बार की जो है आपकी जो है वेजिटेबल की एक बार की जो नीड है सब्जी की, वो एक बार पूरी कर देती है एक टाइम की। और इन पे जो फ्लावर्स है वो बहुत ही प्यारे लगते हैं। देखिए जो मूंगरे हैं वो इस प्रकार से जो है हमारे बंचेस में गुच्छों में लगते हैं। आप देखते हैं जो मैंने इनको सिर्फ एक जो ये हमारे फलों की जो टोकरी आती है प्लास्टिक की, मैंने इसमें सिर्फ उसके उसमें ग्रो किया हुआ है। और इसमें मेरे पांच प्लांट जो है इसमें लगे हुए हैं, और जो इसके प्लांट है इस तरह से बहुत लंबे लंबे और लगे हो जाते हैं, इनको आपको स्टिक का सहारा देना पड़ता है। देखिए अभी हम पालक कर चुके हैं हार्वेस्ट, और अब हम हार्वेस्ट करने हैं मूंगरे। चलिए मैं इनको जल्दी से हार्वेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा समय लगने वाला है। देखिए मूंगरों की भी हमें हो गई है हार्वेस्टिंग, और इधर जो आपने जो देख सकते हैं जो मैंने कैरी में जो मेथी लगाई थी इसकी थोड़ी हार्वेस्ट करेंगे। ये जो मेरी जो मेथी है थोड़ी ढंग से नहीं हुई है, इसके पीछे जो रीज़न है वो यही है कि जो मेरा ये जो मेथी है ये पूरी जो प्लांट्स के नीचे वो है कवर हो रखी है, ये बिल्कुल शेडेड एरिया में है आप देख सकते हैं, और इसमें बिल्कुल भी हल्की धूप नहीं लगती है, तो ये थोड़ी अच्छे से ग्रोथ नहीं हुई है। इसको भी जो है हम अभी हार्वेस्ट कर लेंगे। देखिए जो क्वांटिटी में मेथी जो है थोड़ी कम हुई है, तो हम क्या करेंगे इसका जो है इसके जो फुलके बना सकते हैं रोटी के, या फिर इसकी जो हम चटनी बना लेंगे। देखिए इधर जो अब है मेरा जो चने का साग है इसको भी हम हार्वेस्ट करेंगे। इसको जो है हम इसकी भी चटनी बना सकते हैं, और इसको जो है जो हमारा साग बनाते हैं उसमें भी हम इसको मिक्स कर सकते हैं, जिससे साग का जो टेस्ट है और भी लाजवाब हो जाता है। इसको भी जो है हम हाथ से जो पालक की तरह की कटाई करते हैं, मेथी करते हैं उसी तरह तोड़ते हैं, लेकिन इसको जो है मैं पूरा ही हार्वेस्ट करने वाला हूँ जड़ समेत, क्योंकि इसको मैं जो चने हैं दोबारा से वो ग्रो करे हैं मैंने अलग बैग में। देखिए मैंने जो चने का साग है वो हार्वेस्ट कर लिया है रूट्स के साथ। देखिए ये हमारी हो चुकी है ऊपर वाली छत की हार्वेस्टिंग। अब हम चलते हैं अपनी जो नेक्स्ट वाली जो छत है सामने उस पर हम चलेंगे हार्वेस्टिंग करने के लिए। और ये जो है मेरे चाइना ऑरेंज के फ्रूट्स, और इनकी भी मैंने जो है वीडियो शेयर करी है। देखिए इस तरह से जो है ये रेड हो जाते हैं, ऑरेंज हो जाते हैं, ये पकने वाला है अभी। और इधर देखिए हमारी जो कैबेज है, इधर हमने कैलीफ्लावर लगाई है, इसकी मैंने पहले भी हार्वेस्टिंग करी और वीडियो शेयर करी है। देखिए कितने प्यारा हेड बना है ये, देखिए इसको मैंने ली जो है इसके नीचे पत्ते से तोड़ के इसको कवर किया हुआ है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से जो पत्ते से कवर करेंगे तो आपको जो हेड है वो इस तरीके से जो है पूरा वाइट रहेगा, ख़राब नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे जो जो हेड होता है अगर उस पर पानी गिरता है या फिर ओस गिरती है तो उसके कारण जो है हमारा जो हेड है उसका कलर चेंज होता है, वो पिंक कलर का हो जाता है। और ये देखिए कैबेज, ये सिर्फ आप देख सकते हैं पहले जो हेड है इसका बनाया है, और सिर्फ इसको मैंने जो है प्लास्टिक का जो गमला होता है हमारा 8 इंची का उसमें मैंने इसको सिर्फ ग्रो किया है, देखिए। और ये हमारी जो है एक देखिए कैलीफ्लावर इस तरह से ख़राब हो गई है, क्योंकि मेरी जो जो उसका लीव्स था वो ऊपर से ओपन हो गया, वो गिर गया हवा में, जिसके कारण देखिए इस पे जो है ये बीमारी आ गई है। इसको हम जो है अभी कटिंग
काट के फेंक देंगे। देखिए जो हमें ये वाला जो कैलीफ्लावर का है इसको हम जो है रिमूव कर लेते हैं, इसको हम जो है निकाल लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं आज। और इसको सिर्फ जो है पॉली बैग में इसको जो हमने ग्रो किया हुआ है, देखिए मेरा जो नीचे जितनी भी मैंने सीडलिंग करी थी मेरी जो नीचे रखी हुई थी, जिसके कारण इनकी जो लेंथ है वो काफ़ी लंबी लंबी हो गई है और इनका मुझे स्टिक का जो सहारा देना पड़ा। ये देखिए कितना प्यारा हेड बना है। और जो ये बाकी की जो मिट्टी है पॉलीबैग की, इसको मैं खोल के थोड़ी हवा लगा दूंगा और फिर इसमें जो हम नई सीडलिंग जो है स्टार्ट करेंगे। और देखिए जो हमारा ये ख़राब हो गया था फूल, इसको भी जो है मैं कट करके हटा देता हूँ। ताकि इसमें जो मैंने इसको बड़े ग्रो बैग में लगाया था और इसमें जो मेरे दूसरा कैबेज का जो प्लांट लगाया उसमें जो इसकी जो है न्यूट्रिशन सब इसमें अब चले जाएंगे तो वो जल्दी से ग्रोथ लेगा। और देखिए हमने इसकी जो इतनी सारी लीव्स है वो रिमूव कर दी हैं, इसका सारा न्यूट्रिशन जो है अब दूसरे प्लांट में जाएगा। देखिए हमने इसको जो है उल्टा कर दिया और देखिए कितने प्यारा लग रहा है, एक फूल की तरह है। देखिए जो मैंने चने का जो साग है इस बार मैंने इसमें जो है इसके जो सीड्स है वो लगाए हैं। और इधर मेरे अभी बैंगन जो है अभी लगने स्टार्ट हुए हैं। और ये देखिए मेरे स्टार फ्रूट्स, देखिए बहुत प्यारा प्लांट है, आप इसे अपने गार्डन में जरूर से लगाइए। देखिए जो मेरे स्टार फ्रूट्स हैं इनके आप ग्रोथ देख सकते हैं, ये कितने बिग साइज़ के हो गए हैं, लेकिन अभी ये येलो कलर के नहीं हुए हैं, अभी ये ग्रीन है। जब ये येलो कलर के हो जाएंगे तो ये जो फ्रूट्स हैं ये पक जाएंगे। देखिए अगर आप इसका प्लांट अपने गार्डन में ऐड करना चाहते हैं तो आप इसका प्लांट फेब के मंथ में ऐड कीजिए, अभी विंटर का थोड़ा मौसम है, इसमें जो रेस्टिंग के मोड पर रहते हैं ज़्यादातर प्लांट्स, तो आप फेब के मंथ में इसको अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और देखिए जो कुछ पालक है मैंने ग्रो बैग में भी ग्रो करी थी और इनको भी हम हार्वेस्ट कर लेंगे। और ये मेरे कश्मीर एप्पल बेर, आप देखते हैं इस पे जो बेर है इस टाइम पे लगे हुए हैं और ये बिल्कुल जो है बिल्कुल सेब की जैसे दिखाई दे रहे हैं। इनकी मैं कई बार जो वीडियो है वो शेयर की है हार्वेस्टिंग की, और अभी भी जो कुछ फ्रूट्स हैं वो इस पे बचे हुए हैं। और इधर ही मेरे जो था ग्रीन एप्पल बेर का प्लांट और इस पर जो बहुत ही प्यारे फ्रूट्स लगे थे इनकी भी हार्वेस्टिंग मैंने शेयर करी है। कश्मीर एप्पल बेर की मुकाबले जो ग्रीन एप्पल बेर का जो मेरा प्लांट है ये काफ़ी मज़ेदार है, इनके जो फ्रूट्स है वो काफ़ी टेस्टी है और उससे बिग साइज़ के जो इस पर फ्रूट्स है वो लगते हैं। और इसको देख सकते हैं आप मैंने सिर्फ 15x15 इंच के ग्रो बैग में जो है इसको मैंने ग्रो किया हुआ है। देखिए ये मेरा अनार का प्लांट, इस पे इस टाइम से फिर से जो है सेकंड टाइम पे अभी फ्लावरिंग और फ्लोटिंग इस पे जो है स्टार्ट हो गई है। और ये मेरे रात की रानी का प्लांट्स, इस पे जो है इस टाइम फ्लावरिंग हो रही है और इसकी जो खुशबू है वो रात के समय बहुत ही प्यारी आती है और बहुत ही तेज। तो ये भी एक जबरदस्त प्लांट है और ये भी एक परमानेंट प्लांट है। देखिए ये थी हमारी आज की हार्वेस्टिंग जो कि हम ले चुके हैं और ये देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। आप इसी तरीके से जो है अपने गार्डन में हार्वेस्टिंग ले सकते हैं, कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।